हेलो एवरीवन, तो आज है पांडिचेरी में हमारा दूसरा दिन। कल तो हम मैत्री मंदिर नहीं जा पाए थे, लेकिन आज हम जरूर जाएंगे मैत्री मंदिर। पर उससे पहले थोड़ा पेट पूजा हो जाए। सुबह सुबह का टाइम था और होटल भी नहीं मिल रहा था, और फिर एक छोटा सा होटल मिलता है। भले ही ये होटल छोटा सा दिख रहा है, मगर ये एकदम घर का तरह खाना बनाते हैं। और यहाँ में जो एक इडली है सिर्फ 5 रुपये का है आता है, और एक वड़ा 10 रुपये का आता है। तो हम यहाँ में फटाफट से अपना नाश्ता करते हैं और अपना पैक कराते हैं पार्सल और निकल पड़ते हैं अगली लोकेशन की ओर। तो ये है मेरे दीदी जो मुझे ब्लॉगिंग में सपोर्ट करते हुए हम पांडिचेरी घूम रहे हैं। फिर हम पहुंचते हैं सैन ड्यून्स बीच में, और ये बीच एक प्राइवेट बीच है। तो इस बीच के अंदर जाने के लिए आपको एक टिकट कटाना पड़ता है, जो कि इसका कॉस्ट आएगा 80 रुपीज़। तो आप अंदर जा सकते हैं बीच का। तो हमने तो 2 टिकट ले लिया है अंदर का, और ये आपको कुछ एक टैग बनाएंगे आपको हाथ में कि आप कहीं खो ना जाए। अगर आप पानी में तैरते हुए अगर आप बह के चले जाते हैं तो ये टैग ही आपको रहता है कि आप कौन से बीच से आए हैं। तो इसीलिए सब लोग को टैग बनाते हैं। तो हम तो रेडी है जाने के लिए, तो चलिए अंदर चलते हैं। सही बोलेगा तो यार बीच तो काफ़ी सही है यार अंदर से। और देखिए बाहर में बहुत सारा वाटर स्पोर्ट्स का एक्टिविटी है हमें, और ये रोड में देखिए कितना सारा वाटर एक्टिविटी का हमें सब बैनर लगा हुआ है। एक्टिविटी तो यहाँ बहुत सारा है, बट बात यह है कि अभी इसमें से कुछ भी नहीं चल रहा है, क्योंकि हमें सब रिपेयरिंग में पड़ा हुआ है। और हम आए हैं समर वेकेशन में, और यहाँ में ज़्यादातर काम चल रहे हैं। तो आप जब भी आए तो समर वेकेशन में आए तो पहले चेक करके ही आएगा। और यहाँ से बीच जा सकते हैं, देखिए आपको पीछे तरफ दिख रहा होगा बीच। तो चलते हैं आगे की तरफ, देखते हैं बीच कैसा है। देखिए यहाँ में पे करके गाड़ी भी चला सकते हैं, बीच में गाड़ी भी है। सही बोलेगा तो ऐसा अंदर लग रहा था जैसे कि हम लोग बहुत ही गलत टाइम में आ गए हैं, क्योंकि बीच में चारों तरफ काम ही चल रहे हैं और टूरिस्ट काफ़ी कम दिख रहे हैं। फिर मुझे टूरिस्ट लोग दिखते हैं थोड़ा बीच के साइड में, जो पानी में जो तैर रहे थे। ये बीच में एक सेफ्टी के लिए देखिए हमें बहुत सारा फ्लैग लगाया है। जहाँ में ग्रीन फ्लैग है आप वहाँ में जा सकते हैं, जहाँ में रेड फ्लैग लगा दिया आप वहाँ में मत जाए, क्योंकि वो डेंजर का सिंबल दिखाता है। और सेफ्टी का काफ़ी ध्यान रखा गया है बीच में। दोस्त हो तो इनके जैसा, देखिए एक लड़का को लोग पूरा बालू से एकदम भर के एकदम ढक दिए है और उसके साथ मस्त खेल रहे हैं। ये बीच तो काफ़ी सही है देखिए, और धूप है तो काफ़ी गर्मी लग रहा है, और मेरे को तो बीच सही मज़ा आ रहा है, लेकिन हवा भी है बल्कि थोड़ा धूप कम लग रहा है। सही बोलेगा तो बीच को देख के तो मेरे को तैरने का मन होने लगा है, और क्योंकि हम लोग का तैर तो यहाँ नहीं सकते हैं क्योंकि हम लोग को नेक्स्ट लोकेशन भी जाना है। और ये बीच को देख के काफ़ी दुख लग रहा है यार, क्योंकि हम लोग पिछला बीच में भी नहीं तैरे थे और ये बीच में भी हम लोग नहीं तैर रहे हैं। अभी यहाँ से चलते हैं आगे की तरफ, वहाँ में बहुत सारा स्पोर्ट्स एक्टिविटी होता है, मगर अभी ये सब कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि ये सारा अब रिपेयर में है। और देखिए हमें काफ़ी सारा इक्विपमेंट है खेलने के लिए, जैसा कि हमें रिंग बॉल वाला है, हमें एक साइकिल है जिसको पैडल मार के सर्कल आपको घुमाना है, और यहाँ हमें एक जंपलिंग वाला है देखिए जिसमें आप जंप कर सकते हैं लेदर का जो होता है। हैंगिंग वाला एक ब्रिज का तरह है, वो भी एक स्पोर्ट्स है जिसमें कि आपको हैंग करके वन साइड से दूसरा साइड आपको जाना पड़ता है। भाई साहब ये गेम तो देखिए क्या गेम है, देखिए ये बुल वाला होता है जिसमें आपको बैठना होता है, और ये काफ़ी कूदेगा यहाँ वहाँ, और आप अगर गिर जाते हैं तो आपको आउट हो जाते हैं। ये गेम अगर ये गेम होता तो पक्का ये गेम खेलता, और मेरे को काफ़ी मन है गेम खेलने का, मगर मौका नहीं मिला देखिए हम लोग को। एक और गेम है देखिए जिसमें कि आदमी को हैंग करते हैं, और यहाँ तो गेम का कमी ही नहीं है, बट ये बात है कि गेम में हमें एक भी नहीं चल रहा है और हम लोग को कुछ खेलने का मौका भी नहीं मिला। इतना बड़ा बीच में मेरे को एक ही एक बोट अभी चलता वाला दिखा। भाई साहब यहाँ जो बोट जो चल रहा है उसका प्राइस तो देखिए काफ़ी ज़्यादा है, और अंडमान से भी ज़्यादा है। यहाँ में तो धूप काफ़ी हो रहा है, और आपको मेरे फेस से पता ही चल रहा है पसीना कितना है देखिए। काफ़ी खूबसूरत सा बोर्ड लगा है कंडेंस करके, ये जो होटल है इसका नाम है। तो चलते हैं आगे की तरफ नेक्स्ट लोकेशन में। फिर हम पहुंचते हैं एरो व्हील। जैसा कि हमको बताया कि हम कल तो जा नहीं पाए थे अंदर, तो आज हम चलेंगे मैत्री मंदिर का अंदर। तो चलते हैं इसका अंदर। यहाँ से अंदर की तरफ आपको 500 मीटर वॉक करके जाना पड़ेगा, फिर आप पहुँचेंगे यहाँ। और यहाँ में आपको एक इन्फॉर्मेशन रूम आपको दिख रहा है आगे की तरफ, यहाँ से आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और इसी का बगल से जाते हैं मैत्री मंदिर का। वहाँ अंदर जाने के लिए आपको एक फ्री पास दिया जाता है। ये मैत्री मंदिर में जाने के लिए आपको कोई फीस नहीं लगता है, यहाँ तक कि आपको एक गाड़ी में ले जाने का भी फीस नहीं लेते हैं। और यहाँ में देखिए मैत्री मंदिर का संडे को क्लोजिंग टाइम लिखा हुआ है देखिए। फिर हमारा टर्न आता है जाने का अंदर, और हम चलते हैं फिर गाड़ी में बैठ के मैत्री मंदिर की ओर। फिर हमें एक जगह उतार देते हैं, अब हमें यहाँ से ट्रैकिंग करके जाना होगा आगे की तरफ।
फिर हम पहुंचते हैं यहाँ में कला केंद्र, ये जगह का नाम है, और चलते हैं अंदर की तरफ। यहाँ में आपको अलग अलग तरह का कलाकृति आपको देखने को मिलती है, जैसे कि पेंटिंग्स है, डिज़ाइंस है, और आप देखिए एक वीडियो में। यहाँ में एक ऑडिटोरियम रूम है जिसमें कि मैत्री मंदिर जब बन रहा था उस टाइम का बहुत सारा क्लिप है, देखिए आप। और यहाँ में देखिए सब हाथ से बना वाला पेंटिंग लगाया गया है, और ये काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं हमें, देखिए। और यहाँ में देखिए बहुत सारा पेंटिंग्स है जो कि सेल्स के लिए है, यहाँ में आप आके पेंटिंग बना भी सकते हैं, और यही पेंटिंग हमें सेल होता है। देखिए काफ़ी खूबसूरत खूबसूरत पेंटिंग हमें वॉल में लगा हुआ है, और यहाँ में देखिए कुछ एल्बम में काफ़ी खूबसूरत खूबसूरत फ़ोटो भी बनाया गया है। और यहाँ का तो काफ़ी हो गया है वीडियो, और अब चलते हैं बाहर की तरफ। तो चलते हैं इसका सेकेंड बिल्डिंग में, जो कि ये मेरा आगे तरफ है, देखते हैं ये रोड है। काफ़ी लंबा ट्रैकिंग करने के बाद में हमें एक बोर्ड दिखते हैं, देखिए हमें दिखा है मैत्री मंदिर, और इसी के सीधे सीधे चलते हैं तो अरविंदो का घर मिलता है जहाँ में अरविंदो रहते थे, और ये घर उन्हीं का है। और ये जगह जो एरोविल जो जगह है, और इनका जो डेवलपमेंट है जितना भी है, इनकी माता और अरविंदो जी ने किया है। काफ़ी देर चल रहे हैं, 1.5 किलोमीटर है अंदर रास्ता, तो आपको काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन काफ़ी मज़ा आ रहा है लेकिन चलने में। यहाँ में एक बनियन ट्री है, देखिए उसका वो मेन जड़ रहा है, और उसका जड़ से देखिए कितना सारा जड़ है, कितना पेड़ बन गया, देखिए कितना ह्यूज एरिया में, देख रहे हैं आपको। और यहाँ से और आगे जाना है तो मैत्री मंदिर मिल जाएगा, तो चलते हैं अंदर की तरफ। काफ़ी लंबा ट्रैवल करने के बाद में अब मैत्री मंदिर लग रहा है काफ़ी नज़दीकी, क्योंकि देखिए आपको मैत्री मंदिर दिख भी रहेगा आगे। और ये देखिए ये है मैत्री मंदिर जो कि काफ़ी खूबसूरत है, यहाँ में देखिए कुछ रेलिंग लगाया है, इसका आगे हम आगे नहीं जा सकते, यहीं से हमको देखना रहेगा मैत्री मंदिर। और ये देखिए नज़ारा, आपको कैसा लगा नज़ारा कमेंट में ज़रूर करके मेरे को बताइए कि आपको मैत्री मंदिर कैसा लगा, क्योंकि ये मंदिर को देखने के लिए हमें 2 दिन आए, और कितना ज़्यादा हम ट्रैकिंग भी करके आए हैं मैत्री मंदिर को देखने के लिए। यहाँ का ब्लॉग कंप्लीट हो गया, तो चलते हैं नेक्स्ट लोकेशन। ये मैत्री मंदिर से रिटर्न आपको वापस मेन गेट तक छोड़ते हैं, वो भी फ्री में, और ये जगह को बोलते हैं बाय, और निकल पड़े हैं हम नेक्स्ट लोकेशन में, जो कि है फ्रेंच कॉलोनी। फिर हम पहुंचते हैं यहाँ फ्रेंच कॉलोनी में, और यहाँ में अपना सैंडल निकालना है, और अंदर चलते हैं अरविंदो का, यहाँ में एक आश्रम है, और उसका अंदर में आपको फ़ोन अलाउड नहीं है और शूटिंग भी अलाउड नहीं है, तो उसका आगे अंदर का हम आपको दिखा नहीं सकते हैं, लेकिन अंदर का आपको एक्सपीरियंस शेयर कर सकता है। अंदर में काफ़ी शांत है एकदम, आपको एकदम क्या बोले एकदम कीप क्वाइट, एक छोटा सा भी आवाज़ नहीं आता ना फ़ोन का ना कुछ का ना गाड़ी का, जो पूरा जो एरिया एकदम फुल शांति है, और आप वहाँ में फुल मेडिटेशन कर सकते हैं। और यहाँ में फ़ॉरन से और अलग अलग जगह से हमें आदमी आते हैं अरविंदो का आश्रम में। अब यहाँ का तो हो गया है, अब चलते हैं यहाँ से रॉक बीच गाँव में, तो ये जगह है रॉक बीच, देखिए काफ़ी शानदार एकदम खुले आसमान, और यहाँ का एक छोटा सा वीडियो देखिए। ये पौंडीचेरी में आके ऐसा लग रहा है कितना पुराना मेरा सब ख्वाहिश सब पूरा होने लगा है। ये जगह में आके कुछ बदन में कुछ अलग ही एनर्जेटिक फील आ रहा है, देखिए हमें चारों तरफ फ्रीडम फाइटर्स का हमें मूर्ति और पेंटिंग बना हुआ है। यहाँ में देखिए काफ़ी वाइड एरिया है जहाँ में आपको पूरा वॉकिंग करके आपको घूमना पड़ेगा इस जगह में, और यहाँ से एक लास्ट बच गया आगे का तरफ, तो चलते हैं आगे। तो ये है रॉक बीच, और ये जगह का नाम इसलिए रॉक बीच रखा है देखिए आपको, क्योंकि आपको चारों तरफ पूरा रॉक ही दिखेगा और आपको बालू तो बहुत ही कम दिखेगा, और इसलिए ये जगह का नाम पड़ गया है रॉक बीच, क्योंकि ये काफ़ी फेमस है टूरिस्ट लोग के लिए, और ये जगह में काफ़ी अच्छा सनसेट और व्यू मिलता है आपको, इसलिए ये जगह काफ़ी फेमस है रॉक बीच। आज का ब्लॉग काफ़ी लंबा हो गया और सही बोले तो हम टायर्ड भी हो गए हैं। और फिर हम पहुंचते हैं मार्क्वेस डुप्लेक्स स्टैचू गाँव में, ये यहाँ के गवर्नर थे पौंडीचेरी के, और इनका पूरा नाम जोसेफ मार्क्वेस डुप्लेक्स है, और इन्हीं का वजह से फ्रेंच कॉलोनी हमें बसा है,
और इन्हीं की वजह से बहुत सारा इंडिया का डेवलपमेंट भी हुआ है, जो कि आपको ये वीडियो में बताना पॉसिबल तो नहीं होएगा। तो इसी के साथ देखिए आज का शाम भी एकदम डल चुका है, तो मेरा ये वीडियो कंप्लीट होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। We'll be right back.